के राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं है। ऐसे में क्या हर व्यक्ति की या अपने मन मर्जी से किसी भी संगठन की किसी भी विषय के लिए जांच की मांग करने वाले दिग्विजय सिंह की ही अब पाकिस्तान के संबंधों को लेकर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, ऐसा सवाल हम आपको पूछ रहे हैं। और आपको हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी राय को बिंदास बोल में आज देना है। आज इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ एक बड़े राष्ट्रीय कवि गजेंद्र सोलंकी जी भी उपस्थित रहेंगे लाइव में। सोलंकी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सुरेश जी। साथ में आप ऑस्ट्रेलिया से यूके तक सैटेलाइट के द्वारा और बाकी दुनिया भर में www.sudarshantv.com पर जुड़े हुए सारे दर्शक भी अपनी प्रतिक्रिया के लिए जुड़े रहेंगे। आप SMS, फोन, सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। पहले हम चलते हैं मुद्दे की तरफ। देखिए आज इस चेहरे को कौन नहीं उबरे होगा इस चेहरे से। जी हाँ, ये है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। अगर कोई सुर्खियों में बनना चाहे तो वो दिग्गी राजा से सीखे कैसे वो सुर्खियों में बने रहते हैं। आए दिन दिग्विजय सिंह की बयानबाजी चर्चा का विषय बनी रहती है, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो या भ्रष्टाचार से जुड़ा। हर एक पर दिग्विजय सिंह बेतुके बयान देते रहते हैं। हर मुद्दे पर वो ऐसा बयान देते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह की बयानबाजी उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। आज लोग उन पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने ये आरोप ऐसे ही नहीं लगाए, दिग्विजय सिंह कई बार ऐसा महसूस करा चुके हैं जिसकी वजह से लोगों का शक गहराता जा रहा है। दिग्विजय सिंह बटला हाउस में मारे गए आतंकियों को आतंकी नहीं मानते, वो पुलिस कार्रवाई और इंस्पेक्टर के शहीद होने को एक ढोंग मानते हैं। एक ऐसी कट्टरपंथी किताब का विमोचन करते हैं जो 26/11 के हमलों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश बताती है। दिग्विजय सिंह मुंबई आतंकी हमलों में हिंदुओं का हाथ बताते हैं। आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, दिग्विजय सिंह किसके लिए बयान दे रहे हैं? कहीं वे पाकिस्तान के लिए काम तो नहीं कर रहे? धर्म के नाम पर भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भारत के साथ धार्मिक युद्ध छेड़े हुए हैं। पाक भारत से आमने सामने की लड़ाई में तो टिक नहीं सकता, अब वो चरमपंथी हमलों का सहारा ले रहा है। भारत में चरमपंथी हमलों के लिए पाक भारत के कट्टरपंथियों को इस्तेमाल में ला रहा है। आज लोग दिग्विजय सिंह पर ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आखिर क्यों दिग्विजय सिंह आतंकियों से सहानुभूति दिखा रहे हैं? क्यों वो देश के ही लोगों को आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं? आखिर क्यों वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आखिर क्या बात है दिग्विजय सिंह के पाकिस्तानी संबंधों की जांच? यही है आज के बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। श्रीभर जाधव पुनः से SMS करके कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह शायद जानते नहीं कि 90% आबादी जब नाराज होकर कुछ करती है तो उसको आतंकवाद नहीं क्रांति कहा जाता है। जाधव का यह SMS शायद दिग्विजय सिंह समझ पाएंगे। हम कॉलर की तरफ चलते हैं, पहली प्रतिक्रिया आज के बिंदास के कॉलर की। नमस्कार। गुरुपक्ष मरवा बेपरवा बोलिए मरवा जी। राष्ट्र प्रेमी दिल में जिसके वह सच्चा इंसान ने देश से जो करे गद्दारी उससे बढ़ के कोई बेईमान नहीं। जी राष्ट्र से प्रेमी जिसका वह सच्चा इंसान नहीं राष्ट्र से जो करे गद्दारी उससे बढ़ के कोई बेईमान नहीं। क्या आप पूछते हैं कि दिग्विजय सिंह पाक के संबंधों की जांच होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी क्या है पहचान, ये हिंदू है या मुसलमान? इसका तो यही शक हो रहा है कि हिंदू मुसलमान है, समझिए। आगे मैं कह रहा हूं कि बात ये कांग्रेस का पार्टी दाग है जो सोनिया ने पान रखा है, राहुल की रक्षा करता है, इसको पार्टी दाग कहा जाए, इसको कोई नेता वेता नहीं कहना चाहिए। और बात के जो है संबंध है ये कहते हैं ओबामा जी, जो ओबामा जी जो धन्यवाद जी आपने प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर तो मुस्लिम समाज के लोग भी दिग्विजय के इस बयान के साथ निश्चित तौर पर नहीं होंगे। हम पहली प्रतिक्रिया के लिए चलते, हमारे साथ लाइव पर जुड़े हैं गजेंद्र सोलंकी जी। सोलंकी जी पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं उन निर्दोष लोगों के प्रति सहानुभूति संवेदनाएं प्रकट करता हूं जिनके जो कहीं उग्रवादी आतंकी हमले में मुंबई में अभी शहीद हो गए या जो निरपराध लोग मारे गए। उसके बाद एक क्षण मैंने अभी लिखा, कुछ मुझे आक्रोश उमड़ा अंदर से, तो मैंने लिखा कि कभी क्षमादान उग्रवादियों को दे रहे हैं, कभी बलिदानियों पे करते सवाल है।
ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान को कभी दुश्मनों ने नहीं हराया, हिंदुस्तान को हराते रहे या कहीं आतंकित करते रहे तो अपने ही लोग करते रहे हैं। हमने मीर जाफर जयचंदों के बारे में सुना पढ़ा, लेकिन अब कुछ लोगों को देख के लगता है कि वो कैसे रहे होंगे, ऐसा प्रमाण हमारे सामने दिखाई देता है। तब कहता हूं कि कभी उग्रवादियों को क्षमा दान दे रहे हैं, कभी बलिदानियों पे करते सवाल है, और लूट लूट लोकतंत्र को बनाया भ्रष्ट तंत्र, शकुनी के पास जैसी चलते ये चाल है, तो देश पे बने कलंक दसते विशल दस, सदा देश द्रोह वाले बुनते ये जाल है, और राष्ट्रवादियों को जो भी उग्रवादी कहते हैं लगता है खुद तालिबान के दलाल है जी, लगता है खुद पाकिस्तान के दलाल है। तो बहुत आपने तो हमने तो आज के सवाल में सोलंकी जी इतना ही पूछा था कि पाकिस्तान के दलाल है, आप तो अफगानिस्तान के दलाल की भी बात कर रहे हैं, और लोगों के पास तो और भी कई दलाली के सबूत के साथ कॉल आए हुए हैं, कई एसएमएस से कई एमएमएस से हो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। बोल रही हूँ अनामिका वर्मा। बोलिए वर्मा। मैं ये बोल रही हूँ सर कि पहले तो उनका सारे कांग्रेसियों का दिग्विजय के सिंह के साथ सारे कांग्रेसियों का लगता है पाकिस्तान कनेक्शन है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और नहीं, क्योंकि जो भी देखते हैं कि किसी हिंदू मुसलमान के ऊपर जितने भी देखे, राहुल गांधी वो अमेरिका जाते हैं तो ये बोलते हैं जिसको भी हिंदू पे, और ये देखिए कि दिग्विजय सिंह को पहले बोलिए कि आपके पूर्वज हिंदू थे कि मुसलमान। इनके पिताजी तो सुना है कि हिंदू महासभा का काम करते थे मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे। तो मुसलमान हिंदू और हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू है कि नहीं? बिल्कुल, मैंने तो इंटरनेट पर थोड़ी देर पहले का आरोप भी पड़ा है कि शायद इन्होंने धर्मांतरण किया हुआ है। तो तभी सारे कांग्रेसी देखिए जहाँ पर देखते तो वही हिंदू के विरुद्ध बोलते, तो ये ठीक नहीं है ना। बिल्कुल, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि एक बार इनकी सारी सुरक्षा हटा दीजिए और आतंकवादियों के बीच भेज दीजिए, इसके इनको कोई मारता है कि नहीं, डरपोक है सारे कांग्रेसी डरपोक है। धन्यवाद अनामिका जी। अनामिका जी गुजरात से अपनी प्रतिक्रिया को दे रही थी, आप भी दे सकते हैं। कई एमएमएस कई एसएमएस आए हैं, हम अगले कॉलर को प्रतिक्रिया के लिए बुलाते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ जी, ये हमें जो आज का सवाल है जांच में है, सरकारी खर्चा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा इन पर और रिजल्ट जीरो होना है इनका। अच्छा, अगर जांच करवाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, 200-400 करोड़ रुपए। ये आदमी 2 करोड़ के भी नहीं है। बहुत खर्चा हो जाएगा। लेकिन अभी जो है दिकी राजा जी को डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल, अन्ना हजारे भी कह चुके हैं। अरे नहीं, डॉक्टरी जांच होगी शादरा और आगरा में। और कांग्रेस पार्टी हमेशा बच के बोलती है कि इनका जो है निजी बयान है, अगर अच्छा ध्यान दें तो पार्टी के हित में है। बिल्कुल, अगर बेहूदा ध्यान दें तो उनका निजी बयान है। और जिनकी निजता इतनी कलंकित हो वो पार्टी के महासचिव कैसे हो सकते हैं? तो इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है दिग्विजय सिंह से। बिल्कुल। हाँ जी, तो आगे मेरा ये कहना है, अगर ये बार बार में यू टर्न मारते दिग्विजय सिंह जी, तो यू टर्न ना लेने दें इनको, और इनकी उम्र सीमा कर दें, जैसे सरकारी मुलाजिम है ना 7 साल पे रिटायर। हाँ। तो इनको रिटायर करके बैठा देना चाहिए कहीं जाके। बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे भी लगता है कि लोग अब इनको राजकीय वनवास ही देने वाले हैं, लेकिन ये आला कमान की खुशी के लिए देश के राजनेता कितने गिर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी हो सकता है। अगला कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, मैं राजेश बसेर बोल रहा हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र। बोलिए राजेश जी। जी, अगर दिग्विजय सिंह जी का कोई भी वक्तव्य हम देखते हैं, कोई भी कृति देखते हैं, तो ये संदेह निर्माण करता है कि क्या सच में भारत के चिंतक है या पाकिस्तान के एजेंट है। बिल्कुल। तो उस चीज को देखते हुए तो पक्का ही दिग्विजय सिंह की पाकिस्तान संबंधों की जांच होनी ही चाहिए। दूसरी बात, हर आतंकवादी घटना को हिंदू संगठनों से जोड़ देते हैं। अभी तक पूर्व हिंदू संगठनों के ऊपर लगाए हुए आरोप भी सिद्ध नहीं हुए। ऊपर से जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें 100 में से 99 इस्लामी और पाकिस्तान पाकिस्तानी धरती से आई हुई आतंकवादी घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं दी गई है। ऐसा होते हुए भी हिंदू संगठनों के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो ये सच में संदेह निर्माण करता है। तो इनके संबंधों की जांच तो होनी चाहिए। दूसरी चीज, हम ये हिंदू भारत की पहला देश होगा जहाँ की बहुसंख्यकों के ऊपर आरोप लगाने वाले ऐसे नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या जनता इनको चुप नहीं करा रही है। अगर यही कहीं पाकिस्तान या कहीं अमेरिका में तक होता था तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह शायद बोलने के लिए
मुंह भी नहीं खोल पाते थे आगे। दूसरी चीज मैं और एक बोलना चाहता था, मैं थोड़ा नाराज हूँ आपके चैनल से भी, मैं माफी चाहूंगा। नाराज इसके लिए हूँ कि आपने एक दो प्रोग्राम तो काफी अच्छे चला रखे हैं, लेकिन इसके अलावा आप बिल्कुल हम मोदी आपके सामने लेकर आएंगे और अच्छे प्रोग्राम की संख्या आपके सामने जरूर बढ़ाएंगे। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम चलते हैं सोलंकी जी के पास, कुछ कहना चाहते हैं सोलंकी जी। दरअसल क्या है सुरेश जी, हाँ, कि ये ऐसे लोग हैं जिनके हार्डवेयर तो हिंदुस्तानी है अगर कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए, लेकिन सॉफ्टवेयर कहीं विदेशी लग गए हैं, तो वो हार्डवेयर जो है वो प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो आपको, आपकी बात तो मैं आपकी बात में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कहा जाता है कि दुनिया का कंप्यूटर का पहला वायरस पाकिस्तान में बना था, तो वो क्या ये वायरस इस हार्डवेयर में आया है? बिल्कुल निश्चित रूप से वो हार्डवेयर जो है हमारे जो है ये सॉफ्टवेयर को करप्ट कर रहा है। हमारे भारतीय जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए था, अगर जो भारतीयता का सॉफ्टवेयर लगा हो, देशभक्ति का सॉफ्टवेयर हो, तो ऐसी बात कोई कह नहीं सकता है। और कभी कभी हमको लगता है कि ये जो सब समस्याएं चल रही हैं उसमें कुछ एक दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, लहरों ने सागर से पूछा, पूछा मौन किनारों से, बेबस आंखों ने पूछा दिल्ली की मस्त बहारों से, बर्फीली चोटी ने पूछा कुर्सी वाली गर्मी से, सेना के पौरुष ने पूछा सत्ता की बेशर्मी से, घाट घाट बैठे बगलों से पूछा है मझधारों ने, हिचको ने खाती लैया से पूछा है पतवारों ने, लहू सनी सीमान ने पूछा रक्षा ठेकेदारों से, और सूनी मांगों ने पूछा है मेहंदी के रखवारों से। क्या पूछा है कि बौने कब अधियारों के वंशज गाली देते क्यों दिनमानों को, अधियारों के वंशज गाली देते क्यों दिनमानों को, और बौने कब अपमानित करते पर्वत से बलिदानों को, तो अपमानों के दंशों को सहकर कैसे सम्मान लिखें, हर भारतवासी के दिल पर कैसे हिंदुस्तान लिखें, हर भारतवासी के दिल पर कैसे हिंदुस्तान लिखें। बिल्कुल सोलंकी जी, आपकी बात तो तब ज्यादा मुश्किल लगती है जब दिलों पे पाकिस्तान लिखने का षड्यंत्र एक तरफ चला है। हम यहां पर अगले कॉलर से अपनी प्रतिक्रिया के लिए कहेंगे, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए जी। सर मैं विकी कुमार बात कर रहा हूँ झारखंड से। हाँ बोलिए विकी जी। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत में जो है आप बोलते रहिए। हेलो। हाँ बोलते रहिए आप, शायद हमारा संपर्क इनसे टूट गया है। हम अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। कॉलर को कहेंगे कि आप अपने फोन को फोन पर ही सुनने का प्रयास करिए, टीवी पर कुछ सेकंड का डिले आ सकता है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर। कर चले हम पिता जानतन जियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐसा जब कहा गया था शहीदों के लिए, शहीदों ने हमारे लिए कहा गया था, तो आज के नेता को थोड़ी सी इज्जत दे दी जाए तो करते हैं दूसरे इज्जत के बहाव में आकर कुछ भी बक देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम टीवी पर है, क्या कहना चाहिए और क्या कहना नहीं चाहिए। इससे पहले अडवाणी जी पाकिस्तान वहाँ के गुणगान गए, ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए सर बताए, इनको लाइन से खड़े करके इनको बोले थोड़ा चाहिए, क्योंकि हम देश का खाते हैं, देश में रहते हैं और देश से गद्दारी की बातें करते हैं। ये इन लोगों को सीधा ये करना चाहिए सर, ऐसी मेरी राय है सर। दिग्विजय सिंह का क्या करना चाहिए? दिग्विजय सिंह का वही कीजिए सर, उन्होंने तो इतना कहने के बाद उन्हें हम यहाँ पे रुकते छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आएंगे, बात हो रही दिग्विजय सिंह और पाकिस्तान की। बिंदास बोल जारी।